नमस्कार। बोर्ड के इम्तिहान आने वाले हैं, टेंथ हो या ट्वेल्थ हो। फरवरी, जनवरी, फरवरी के आते आते जो ये जो बोर्ड के एग्जाम्स का जो टेंशन है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, चाहे वो बच्चे हो, जाहिर सी बात है बच्चों को तो होता ही है, लेकिन साथ में पेरेंट्स को भी बहुत हो जाता है। तो लेकिन पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है, जो टेंशन होता है, उसका बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो हमने बहुत से लोगों से बात की कि हम क्या चीज़ बेहतर आज इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तक पहुंचा सकें, उन पेरेंट्स की बातें पहुंचा सकें, उन स्टूडेंट्स की बातें पहुंचा सकें, जिससे आने वाले बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बेहतर हों, अच्छे हों। उसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर रमेश जोशी से। वेलकम मिस्टर रमेश जोशी। थैंक यू। अच्छा मिस्टर रमेश जोशी के दोनों बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स दे चुके हैं, एक लड़का लड़की दोनों बोर्ड के एग्जाम्स टेंथ भी दे चुके हैं, ट्वेल्थ भी दे चुके हैं। तो हमें इनसे ये जानना है कि इन्होंने कैसे अपने दोनों बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स को हैंडल किया, क्योंकि प्रेशर बच्चों पे था। आपका क्या एटीट्यूड था, बच्चे कैसे टेंशन में थे, क्या था? आई थिंक इस मामले में मैं थोड़ा लकी था। हो सकता है उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से हमने शुरू से इसको प्लान किया। जैसे आई रिमेम्बर कि जब मेरी डॉटर ने टेंथ का बोर्ड में आई, उसी समय बॉम्बे में शिफ्ट हुए थे, तो टेंथ के एडमिशन के साथ साथ हमने उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्टिंग के क्लासेस में डाल दिया। उसका इफेक्ट ये हुआ कि पूरे प्रोसेस में बच्चे पढ़ाई भी आराम से कर रहे थे, साथ में इंजॉय कर रहे थे, चीज़ों को सीख रहे थे, तो वो एक कॉम्बिनेशन बना पाई। और कभी कभी मुझे ऐसा सरप्राइज होता था कि मैं सोचता था कि दो बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच में बच्चे क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे, बट मेरा सरप्राइज था कि चूंकि पेरेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, हम लोगों को सिर्फ ये था कि भाई बच्चे अपना बेस्ट करें। मैं सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देता था कि उनको ऐसा माहौल और एनवायरनमेंट मिले कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म कर पाए। तो मैंने नोट किया कि वो एग्ज़ाम के दो एग्ज़ाम के बीच में भी उस क्लासेस को कभी मिस नहीं करती थी। अच्छा। और उसका रिजल्ट ये रहा कि शी हैज डन वंडरफुल एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स शी गॉट मोर देन 90%। तो इवन मेरे सन के टाइम पे भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि बच्चे क्या होते हैं कि चारों तरफ से प्रेशर रहता है उनके ऊपर, पीयर प्रेशर रहता है उनके ऊपर, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि ये बनो, IIT में नहीं होगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, स्कूल्स और कॉलेजेस का, टीचर्स का रहता है कि पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, और ऊपर से पीयर प्रेशर। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब बच्चे ऑलरेडी इतने प्रेशर में हैं तो आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि उसके प्रेशर को आप ईज कैसे कर सकते हो। जैसे कि जब भी आप उनसे बात करो तो पढ़ाई की बजाय कुछ और बात करो, और व्हाट दे आर फीलिंग, उनको गाइड करो कि कैसे टाइम टेबल बना के वो काम कर सकते हैं, कैसे प्रेशर से बाहर रह सकते हैं। बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट था। आई नो कि मेरे बच्चों का ये पोटेंशियल है, उनसे ज़्यादा मैं उसकी उम्मीद नहीं करूं, और उनके पोटेंशियल के हिसाब से वो जो बेस्ट कर सकते हैं उनके लिए वो माहौल दूं, और वो मैंने दिया। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी डॉटर ने इंजीनियरिंग करके अभी USA MS कर रही है, और मेरा सन है वो भी इंजीनियरिंग और MBA का कॉम्बिनेशन कर रहा है। सो दे आर डूइंग वेल इन देयर स्टडीज बिकॉज आई फाउंड दैट पेरेंट्स शुड नॉट क्रिएट एनी प्रेशर एंड वी शुड अलाउ देम टू डू, बट एट द सेम टाइम वी शुड कीप देम ऑन ट्रैक। वेन एवर दे आर गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक वी जस्ट रिमाइंड देम वेरी पोलाइटली कि ओके ये हो गया, दिस इज योर लिमिट, दिस इज योर लिमिट। और एक चीज जरूरी है कि बच्चे घर में नहीं रहें पूरे दिन, दे शुड गो आउट प्ले विद द किड्स, इवनिंग में थोड़ा बाहर जाके घूम के आए। क्योंकि जैसे हर पढ़ाई के बाद में मैंने एक काउंसलिंग प्रोग्राम अटेंड किया था फर्स्ट डे जब वो टेंथ में आई, तो उन्होंने सिंपल ये कहा था कि 45 डेज के ऊपर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो बियॉन्ड ए पॉइंट इफ दे आर जस्ट सिटिंग एंड रीडिंग वी शुड अलाउ देम टू वॉच TV, टू प्ले, टू गो आउट, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, या डू सम शॉपिंग। आई थिंक दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड, अदरवाइज गॉड वाज ग्रेसफुल। तो अभी जो इस साल जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनको और उनके पेरेंट्स को भी रादर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा
कि सबसे पहले तो बच्चों को से ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे का लेवल क्या है, मतलब और वो करना क्या चाहता है। दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक उसको कभी इस चीज़ के लिए फोर्स मत करो कि जो करना नहीं चाहता है, और दूसरा उसे कभी उसके ऊपर ये लादो मत कि तुझे ये बनना है तुझे ये करना है, उसको आप इनडायरेक्टली गाइड कीजिए एंड दे विल। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो अपने आप को से चीज़ों को निकाल पाते हैं कि वेयर दे आर गुड एट, और उस डायरेक्शन में अगर वो काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, मेरी एक भांजी है, उसने साइंस में था, उसको मैथ से बड़ा टेंशन रहता था, देन शी वॉन्टेड टू आर्ट्स बिकॉज हर मदर वॉज इन आर्ट्स और थोड़ी कन्फ्यूज भी थी, तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं कि भाई बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंट जैसी चीज़ों में शी कुड बी गुड, और उसके बहुत से दोस्त भी कर रहे थे, तो बजाय उसको ये कहने कि तुम ये करो, मैंने एक दिन कहा कि देखो तुम्हारे दोस्त जो कर रहे हैं अकाउंट्स और बिजनेस मैनेजमेंट का एक कॉम्बिनेशन का जो भी चीज़ कर रहे हैं, तुम एक काम करो, जस्ट गो एंड सी देयर बुक्स, और तुमको लगता है क्या कि वो बुक्स अच्छी हैं। अच्छा। एंड टू माई सरप्राइज व्हेन आई केम इन द इवनिंग शी वॉज थ्रिल्ड, शी सेज कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और BST और ये सब सब्जेक्ट इतने अच्छे हैं कि आई विल डू ओनली दिस एंड द बिगेस्ट इम्पैक्ट बिकॉज सी हैज चूज दैट, टुडे शी आर इन द टॉप 3 इन आवर क्लास एंड शी इज डूइंग फार सुपीरियर बाय टेकिंग अ सब्जेक्ट व्हिच शी नेवर ड्रीम्ड ऑफ डूइंग इट। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड शेयर, एंड आई थिंक इफ पेरेंट्स शुड नॉट पुट एनी प्रेशर, जस्ट मॉनिटर देम, गाइड देम इनडायरेक्टली एंड गिव देम द एनवायरमेंट टू परफॉर्म। आई थिंक दैट इज द माई मैसेज टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स and student I give all the best. I think if they know their potential and they will do hard work, and more important if they do consistent work, at the end they will not feel the pressure. So I think that is more important. I think you have given a very valuable suggestions from your own experience. Bacche ko aur parents ko agar uska potential pata hai ki uski kya seemaye hain उसमें रहकर वो पढ़े तो शायद वो और बेहतर कर सकता है, लेकिन उसे ज़्यादा स्ट्रेच न करें और एक एनवायरनमेंट दें जिसमें वो कंफर्टेबली जो कर सकता है वो कर गुजरे, कम से कम उसे कम न निकले। इट वॉज अ ग्रेट इनसाइट मिस्टर जोशी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.